क्वेश्चन नंबर फोर देखेंगे, टैंकर वाला क्वेश्चन, ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन। ये भी एग्जाम में बहुत बार आया है। कितनी बार आया है इसकी कोई गिनती नहीं है। करेंगे कैसे, ध्यान से समझेंगे। क्या कह रहा है ये कह रहा है टू टैंकर। देखो इस क्वेश्चन को मैक्सिमम लोग आधा ही सोल्व करते हैं, मैं उसके आगे का स्टेप भी बताऊंगा। बस कंडीशन एक ही है, वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, वरना आपको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आप मिस कर दोगे और बाद में अफसोस करोगे कि ये कैसे हो गया मेरे साथ। टू टैंकर्स कंटेन 8850 लीटर एंड 680 लीटर ऑफ पेट्रोल रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर विच कैन मेजर द पेट्रोल ऑफ इधर टैंकर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। मतलब एक बात बताओ, इसमें SCF लेना है कि LCM? तो कई बच्चों ने रट रखा होगा कि यहाँ पे मैक्सिमम दिखा तो SCF ले लो। बिल्कुल सही बात कही आपने, मैक्सिमम दिखा तो SCF ले लो। अब मैं इसका एक तरीका बताता हूँ, करने का क्या तरीका है। देखो हमें पता है 850 और 680, ठीक है, ध्यान से समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, है ना। जब भी हम टैंकर भाई, हम दूध वाले को जो दूध लेते हैं तो वो क्या करता है, 10-10, 20-20, 30-30 लीटर के दूध रहता है और टैंकर कम रखता है, टैंकी कम होती है, दूध ज़्यादा होता है, सिंपल सी बात है। या मिठाई वाले का देख लो कि मिठाई में मिठाई ज़्यादा रहती है, अलग अलग तरह की, डब्बा एक ही रहता है। तो जब भी दिए हुए नंबर में से जो सबसे छोटा नंबर है कितना, 680, इससे हमें छोटा ही नंबर लेना होता है जो उसका SCF कहलाता है। मतलब जब भी दिए हुए नंबर में से छोटे नंबर पे काम करना होता है तो हम SCF लेते हैं, याद रखना। तो अब SCF कैसे लेंगे, देखो ध्यान से। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ वो नोट डाउन करना, जब भी 00 एंड में हो, जब भी दो नंबर या तीन नंबर या चार नंबर, जितने भी नंबर हो उनके SCF लेना हो और एंड में 00, तो कैसे करते हैं, उसको डायरेक्ट 10 से डिवाइड कर दो। क्यों, मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो उससे हमारा टाइम बचेगा और कैलकुलेशन भी ईजी हो जाएगी। तो क्या कहा मैंने, नोट डाउन करके लिख लेना, एग्जाम में बहुत काम आएगा। तो मैं डायरेक्ट 10 से ही डिवाइड कर देता हूँ, इसको भी 10 से और इसको भी 10 से। कहोगे सर रूल के अनुसार तो हम प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं, जो कहता रहा हूँ उसको कर लो, आपका टाइम बच जाएगा। कि जब भी एंड में 00 नंबर हो ये रहा, तो हमेशा 10 से डिवाइड कर दो। तो 10 से डिवाइड किया तो कितना है, 85। अब देखो 85 को फिर 5 से किया मैंने तो कितना आएगा, 85 ये 17 और यहाँ पे भी 17 और ये कितना बचेगा, 1। अब 17 प्राइम नंबर है, अपने आप से डिवाइड होगा, तो इसलिए 17 से किया। 680 को डिवाइड करेंगे तो 68 बटेगा, फिर इसको 2 से डिवाइड किया तो कितना बचेगा, 34, फिर इसको 2 से डिवाइड किया तो 17, तो यहाँ पे भी कितना आ गया, 17, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब SCF निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखो, रिपीट कर चुका हूँ, देखो ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना। ये देखो कि दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन क्या है जी भाई, 10 कॉमन है, 10 कॉमन है, यहाँ काट के यहाँ 10 लिख दो। फिर सर कुछ और भी कुछ कॉमन है दोनों में, बिल्कुल है, दोनों में क्या कॉमन है, 17 और 17, और यहाँ पे लिख दो कितना, इंटू 17, तो SCF कितना आ जाएगा जी, मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा, कितना आ गया, 170, ठीक है। अब मैंने ये पूछ लिया कि 170 मुझे कितने वो लगेंगे, कि एक 170 का कंटेनर लेना होगा जिसमें ये दोनों पूरे पूरे आ जाएंगे। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसमें से मुझे कितने लीटर लेने हैं और इसमें से मुझे कितने लीटर लेने हैं, तो ध्यान देखो, 850 को 170 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे देखो ये हमारा SCF आ गया, बचा क्या, 5, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, सीधा 5। और इधर से देखो, इधर 680 को भी 8 से डिवाइड कर दो, 680 से भी को भी 70 से डिवाइड कर दो 170 से, तो कितना बचेगा, देखो यहाँ पे कितना बचा, 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। मतलब पहले टैंक से मुझे 5 लीटर लेना होगा और दूसरे टैंक से 4 लीटर लेना होगा, मतलब टोटल 9 लीटर लेना होगा। और 9 लीटर को अगर हम बराबर बराबर 170 टैंकों में भरेंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, कुछ भी वेस्टेज नहीं आएगी। आंसर चेक कर लेते हैं, देखो तो 170 की 9 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ जाएगा, 170 और 1530 कितना आएगा, 1530, 1 17 9 150 3 आ गया समझ में। अब उसी तरीके से इन दोनों को ऐड करो, कितना, 6850 को और 680 को, तो देखो ध्यान से 0 आ गया, 8 5 13 3 1 और 7 7 14 और 1 15, तो देखो यहाँ से भी कितना रहा है, 1530, तो इसका मतलब मेरा आंसर सही है, वैलिड हो गया। अब ये सर मैंने इतना आगे आपको क्यों करवाया, ये हमसे केस बेस में पूछ लेगा, आई बात समझ में, केस बेस में कैसे पूछेगा, ये दे देगा, तो ये पूछ लेगा कि उसका SCF क्या होगा, आंसर निकाल चुका हूँ, SCF होगा 170। दूसरा केस क्या पूछ लेगा, कि पहले टैंक से मुझे कितना लीटर लेना होगा, तो ऑप्शन में ये भी रहेगा। तीसरा ये पूछ लेगा केस बेस में कि 680 वाले टैंक में से मुझे कितना लीटर लेना होगा, तो वो इतना लेना होगा, आई बात समझ में। और चौथा केस क्या पूछ लेगा, कि प्रूफ दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ LCM इनटू SCF इज इक्वल टू प्राइम नंबर इनटू
फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, तो बिल्कुल उनका एलसीएम एचसीएफ भी यही आएगा। तो इनका एलसीएम एचसीएफ लोगे और फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर करोगे तो वो भी वही आएगा मल्टीप्लाई करके। चाहे तो करके देख लेते हैं, देखो तो क्या आएगा मेरे पास, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आया, देखो एलसीएम कितना आ गया मेरे पास 170, ठीक है, इंटू इसके एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ देखो एचसीएफ आ गया मेरा ये कितना, ये एचसीएफ आया, ये एचसीएफ कितना आया, ये 170। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम देखो एलसीएम में जो हमारा कॉमन है वो तो लिखना ही लिखना होता है, तो कॉमन क्या क्या है देखो, तो कॉमन तो ये है, तो ये आ जाएगा 170। और जो बच गया, बच क्या क्या गया, ध्यान से देखो इसमें क्या क्या बचा, 5, तो इंटू 5 मल्टीप्लाई, और इधर से क्या बचा है, इधर से बचा है 4, तो इन सब की मल्टीप्लाई करके वही आएगा, ध्यान से देखना, जो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आएगा 680 इंटू 850। तो इन दोनों की, ये मेरे से इससे पूछ लेगा, तो क्या बोलते हैं केस केस बेस का चौथा क्वेश्चन, कि क्या ये दोनों वैलिड है, तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये भी बिल्कुल बराबर बराबर है। ये क्वेश्चन कराने का मतलब था, केस बेस में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपके फंडामेंटलिस्ट होंगे तो आप आराम से कर लोगे, कोई नई चीज़ नहीं पूछेगा केस बेस में क्या है भाई, तो इसी के लिए ये केस बेस में कैसे पूछ सकता है मैंने आपको करवा दिया। तो अच्छे से देखना, जितनी बात बताई मैंने उसको नोट डाउन करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सारे लोग सीख पाए। इससे पहले मैं अब तक 3 क्वेश्चन करा चुका हूँ, वो भी वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, तो चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट खोलना, उनको देखना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, बाय बाय दोस्तों।